आता एक मोठी बातमी आहे, मुंबईकरांना घाम फोडणारी। आज सकाळीच मुंबईतील वीज पुरवठा सुमारे तासभर खंडित झाल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती। दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईमध्ये सकाळी 10 च्या सुमारास वीज पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिक हैराण झाले। दादर, माटुंगा, भायखळा याशिवाय खार, सांताक्रूज, चेंबूर आणि कुर्ला इथे सुद्धा विद्युत पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता। वीज पुरवठा खंडित झाल्याचा सर्वाधिक फटका पश्चिम रेल्वेलाही बसला, मात्र मध्य रेल्वेची वाहतूक सुरळीत असल्याचं पाहायला मिळालं। मुलुंड ट्रॉम्बे येथील एमएसईबीच्या 220 केव्हीची ट्रान्समिशन लाईन ट्रिप झाल्यामुळे मुंबईच्या बहुतांश भागातील वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता। तर ट्रान्समिशन लाईनमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्होल्टेज चढउतार झाल्यामुळे ट्रॉम्बोस साल्सेट 1 ओव्हरलोडवर ट्रिप झाला आणि याचा परिणाम दक्षिण मुंबईतील वीज वितरण व्यवस्थेवर झाल्याचं स्पष्टीकरण टाटा पॉवर कंपनीने दिलं। तर दुसरीकडे वेस्टर्न रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यांनी या प्रकरणाची काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया। आउटेज के कारण आज सुबह 9:42 पर चर्चगेट अंधेरी जो वेस्टर्न लाइन का सेक्शन है उसमें लोकल ट्रेन सेवा में व्यवधान आया था। उसके बाद हमने इमीडिएटली इस पे एक्ट करते हुए जो हमारा जोगेश्वरी सब स्टेशन है वहां से पावर रिस्टोर करना स्टार्ट किया और तकरीबन 10:40 पर हमने बॉम्बे सेंट्रल से विले पार्ले सेक्शन में पावर रिस्टोर किया और 10:45 तक चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट से विले पार्ले कंप्लीट सेक्शन रिस्टोर हो गया। इसमें जो हम जिसमें हमारे पास पावर आउटेज था उसमें कुछ ट्रेन्स भी सेक्शन में फंसी हुई थी, इसलिए हमने ट्रेन्स पे स्टेशन पे कंटिन्यूसली मेगाफोन के थ्रू अनाउंसमेंट भी करवाया और एक घंटे तक ये व्यवधान चला। 10:44 में हमारा सिस्टम काम करना शुरू हो कर दिया था और इसके बाद 10:53 में टाटा पावर का भी जो सप्लाई था वो भी रिस्टोर हो गया था। इस प्रक्रिया में आज तकरीबन 50 के आसपास सबर्बन कैंसिल हुई और 140 के आसपास डिले हुई।